हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, गर्मियों का टाइम है और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्भवती महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इस टाइम पर। तो आपको क्या करना है और किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि गर्भ में बच्चे को कोई परेशानी ना होने पाए और आप भी दोस्तों एकदम अपनी प्रेगनेंसी फुल एंजॉय कर सकें और आपको भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो गर्मियों के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन से टिप्स ज़्यादा फॉलो करने हैं, चलिए आपकी मदद करते हैं इस वीडियो के द्वारा। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेम्परेचर जो है वो 45 तक जा रहा है और ऐसे में भाई गर्मियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि ऐसे में बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हाइड्रेटेड रहने के लिए आप लिक्विड वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, जैसे कि पानी है। ठीक है, पानी आपको 8 से 10 गिलास रोज़ाना पीना है। अगर गर्मी लग रही है ना तो हर जल्दी जल्दी पानी पीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी प्यास लग रही है फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, इससे बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, साथ ही आप जूस पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलते हैं बॉडी को और गर्भ में जो बच्चा होता है ना, पानी की थैली में पानी की कमी नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड वाली चीज़ें आपको ज़्यादा प्रेगनेंसी में इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ठीक है, दूध है, छाछ है, ठीक है, और आप फ्रूट है, जूस वगैरह पीजिए, तो इन चीज़ों से आपके बच्चे पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप गर्भवती हैं तो गर्मी में आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, धूप में तो आपको बाहर निकलना ही नहीं है। दोपहर के टाइम पर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और ऐसे में सीधी किरणें ज़मीन पर आती हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, हो सके तो आप अपने घर में ही रहें और ढीले ढाले कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने, कॉटन के, ठीक है, जिसमें आपको आराम हो, वैसे कपड़े आपको पहने हैं लाइट कलर के। ये नहीं है बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहन लिए, एकदम टाइट कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं करना है क्योंकि जितने ही आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगी, टाइट पहनेंगी, उतनी गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप नहा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कहीं धूप से, अगर धूप में है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई तो एकदम से ठंडा पानी आपने पी लिया या फिर नहा लिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसे सर्द गर्म हो सकता है जिससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपको गर्मी लग रही है तो आप पानी से नहा लीजिए और नहीं तो एक टप में पानी भर लीजिए, उसमें आप बैठ जाइए, बहुत ही रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिएगा क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी पीने से प्रेगनेंसी में मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है, तो ज़्यादा ओवर ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। ऐड करके आप पानी पी सकती हैं, नॉर्मल पानी लीजिए उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दीजिए, वो पानी आप पी सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा चिल्ड पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए। ओके, तो पानी वगैरह पीते रहिएगा जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर हो सके तो मोबाइल का यूज़ आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपकी इस वीडियो के द्वारा ज़रूर मदद हुई होगी। अगर मदद हुई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।